हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है और आप लोगों का यूवी भी बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि मेरे डब्बों में काफ़ी सारा राशन ख़त्म हो गया था। मैं बाकी बचा हुआ राशन जो कि एक टब में भर करके रखती हूँ, तो मैं उसमें ये यूवी के लिए ओट्स ढूंढ रही थी, नमकीन वाले, क्योंकि मुझे ओट्स बनाने थे। वो यूवी को भूख लग रही थी इसलिए मैं ओट्स ढूंढने के लिए उस टब को खोली और मुझे उसमें ओट्स तो मिले नहीं, इसलिए मैंने एक तरफ बनने रख दिया यूवी के लिए दलिया। और साथ ही में कर लेती हूँ मैं अपना राशन भी डब्बों में खाली, तो इस तरह से मेरे दोनों काम हो जाएंगे। यूवी के लिए दलिया भी बन जाएगा और मेरा राशन भी खाली हो जाएगा। मैं बीच बीच में ये डब्बे निकाल करके देखती रहती हूँ क्या राशन ख़त्म हो गया है, तो उसमें भर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। यूवी को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, वो वेट में यहाँ पर खड़ा है कि कब मेरा दलिया बनेगा और मैं कब खाऊँगा। साथ ही में मेरी हेल्प भी करवा रहा था वो। जब मैं राशन देख रही थी तो मुझे बहुत सारे मुरमुरे पड़े हुए मिले, तो मैंने सोचा कि मैं एक रेसिपी बना लेती हूँ, मुरमुरे का यूज़ भी हो जाएगा और एक रेसिपी भी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर बनाया है नमकीन चिवड़ा मुरमुरे का, और बाकी जो भी इसमें डाला है मैंने मिक्स करने के लिए, वो सब मेरे घर में ही पड़ा हुआ था। जैसे कि मैंने इसमें डाला है मूँगफली के दाने, भुने हुए चने, मीठा नीम, कटी हुई हरी मिर्ची, आलू के चिप्स और दलिया, जो कि मैं दलिये का एक पैकेट आता है डीमार्ट से लेकर के आई थी मैं, वो सब चीज़ें मैंने इसमें डाली है। बाकी की सब चीज़ें मैंने मसाला डाला है इसमें, हल्दी, मिर्ची, नमक, शक्कर और नींबू सत्व वगैरह, जिससे खट्टा मीठापन आ जाएगा चिवड़े में। इसके लिए मैंने कर लिया है कढ़ाई में तेल गरम तलने के लिए, और एक एक करके मैं सारी चीज़ों को तल लेती हूँ। सबसे पहले मैंने तल लिए हैं मूँगफली के दाने, और एक एक करके जो जो मेरा तलता जाएगा सामान डायरेक्टली मैं अपनी टंकी में, मैंने मुरमुरे डाले हुए हैं मैं उसमें मिक्स कर रही हूँ डायरेक्टली, ताकि मुझे दिक्कत नहीं आए बार बार मिक्स करने के लिए, इसलिए मैं तलते जा रही हूँ और साथ ही मैं उसमें भी डालती जा रही हूँ, तो डबल काम नहीं होगा मेरा। मूँगफली के दानों को हमें अच्छे से तलना है ताकि उसमें क्या है, अच्छा कच्चापन नहीं रहे और अच्छे से वो तल जाए। तो अगर तल जाएंगे तो वो अब हमको चबाने में थोड़ा सा क्या है, सॉफ्ट रहते हैं, वो अच्छे से चब जाते हैं। Thank you.
के चिप्स जो कि थोड़े ज़्यादा थे मेरे पास में, तो मैंने ज़्यादा ही तल लिए थे। मैंने उसको पूरा ही फिनिश कर डाला, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैंने सुबह छोले की सब्जी बनाई थी जो कि रखी हुई है, तो मुझे चावल ही बनाने हैं साथ में। छोले चावल के साथ में चिप्स अच्छे लगेंगे, इसलिए मैंने खाने के लिए भी थोड़े से चिप्स तल लिए और थोड़े से डाल दिए हैं चिवड़े में, तो दोनों यूज़ में आ जाएंगे। वो एक ही तेल में मैंने दो काम कर लिए, चिवड़े में भी चिप्स तल करके डाल दिए और खाने के यूज़ में भी ले लिए। आलू के चिप्स भला किसको पसंद नहीं आएंगे? हम लोगों को तो बहुत पसंद है, आप लोगों को भी बहुत पसंद होंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालो, उसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च डालो, तो उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब मुरमुरे को मैंने ऊपर नीचे हाथ की हेल्प से मिला लिया है ताकि अच्छे से मसाला मिल जाए, और मैं इसकी चटनी बनाकर इसमें मिक्स कर लूँगी। हल्दी, लाल मिर्च और नमक वगैरह और शक्कर थोड़ी सी और नींबू सत्व भी। अगर आप लोगों को मेरा चिवड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आप लोगों के लिए नए व्लॉग्स लेकर आ सकूं। मैं डेली रूटीन व्लॉग शूट करती हूं, आप लोग प्लीज़ वो भी देखिए। मैंने इसी तरह आगे भी शूट किए हैं, प्लीज़ उन्हें भी देखिए और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, थैंक।